हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं वैभूति तरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आपका स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में आज के सेवेंथ लेक्चर में हम सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो सिंपल मशीन्स आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वह है सिंपल एक्सेलेंट व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील हेर वी गो पिछले लेक्चर में हमने चार न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो कि लॉ ऑफ मशीन के ऊपर डिपेंडेंट थे उन चार न्यूमेरिकल में हमने क्या पढ़ा था उन चार न्यूमेरिकल्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे एक एक टाइप में आपको लॉ ऑफ मशीन लॉ ऑफ मशीन गिवन था और सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में हमने ऑप्टेन किया था ना ऑप्टेन लॉ ऑफ मशीन किया था बराबर है लॉ ऑफ मशीन किया था बराबर है तो ये जो है दो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपने उसका ध्यान में रखना है ये सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल में आपको एक ट्रिक पता रहनी चाहिए कि इसमें डब्लू वन और डब्ल्यू टू दो चीजें दे रहेंगी दो लोड दे रहेंगे और पी वन एंड पी टू एफर्ट्स दे रहेंगे बराबर है फिर हमको क्या करना पड़ता है इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है और बाद में फिर सी की वैल्यू निकाल के फिर हमने लॉ ऑफ मशीन लिखना है पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी मतलब लॉ ऑफ मशीन निकालना है मतलब क्या करना है यहाँ पे एम की वैल्यू निकालना और सी की वैल्यू निकालना बराबर है और टाइप नंबर मतलब उसी में ही जो हमने पहले दो न्यूमेरिकल देखे थे वहाँ पे हमको लावअप मशीन डायरेक्टली गिवन था जस्ट लाइक दैट ओके तो हमको क्या करना पड़ता था W की वैल्यू गिवन रहती थी W की वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर P आ जाता था W है P है फिर एम आ जाता है वी आर पता के फिर हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इसके अलावा हमने मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज भी पढ़ा था मैक्सिमम का फॉर्मूला मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज वन डिवाइड एंड मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मैक्सिमम इफिशियंसी कोस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एम इनटू टू वी आर सो ओके सो दिस इज द रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा दिस आर द लर्निंग आउटकम्स डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड इफिशियंसी ऑफ उटकम विस्ट मशीन दट इज सिंपल एक्सलेंट व्हील तो आपको डायग्राम में सिंपल एक्सेलेंट व्हील दिख रहा होगा मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं देखिये ये जो सिंपल एक्सेलेंट व्हील है यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट व्हील ये क्या है एफर्ट व्हील क्यों बोला गया है क्योंकि हम इस व्हील के ऊपर हैं और ये जो छोटे डायमीटर का जो दिख रहा है एक्सल और इस एक्सल से हमें लोड को लिफ्ट करना है इस एक्सल से हमें क्या करना है लोड को लिफ्ट करना है ध्यान में रखना है कि एफर्ट व्हील जो हो है उसका डायमीटर ज्यादा रहता है और एक्सल का जो डायमीटर होता है वो

टू ईच अदर एंड माउंटेड ऑन अ शाफ्ट मतलब रिजिडली कनेक्टेड रहते हैं और एक शाफ्ट के ऊपर उनको माउंट किया जाता है और स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब क्या होता है धागा स्ट्रिंग मतलब क्या होता है धागा या रस्सी धागा या रस्सी इज वाउंड राउंड द एक्सल सो एज टू लिव द लोड हम क्या करते हैं एक रस्सी को एक्सल के ऊपर क्या करते हैं वाउंड करते हैं बराबर है एंड अनादर स्ट्रिंग जो रहता है वो हम एफर्ट व्हील के ऊपर वाउंड करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन बराबर है हम इन दोनों की डायरेक्शन जो रहती है वो कैसे रहती है बेटा अपोजिट रहती है ओके okay? और एफर्ट व्हील से हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और लोड जो एक्सल रहता है वहां से हम लोड को लिफ्ट करते हैं व्हेन एफर्ट व्हील कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन जब हम एफर्ट को अप्लाई करने के बाद ये एफर्ट व्हील क्या करेगा एफर्ट व्हील ऐसा रोटेट होगा व्हेन एफर्ट व्हील कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन द एफर्ट्स मूव थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द एफर्ट व्हील बराबर सरकमफेरेंस ऑफ एफर्ट व्हील क्या होता है पाई डी जब ये एफर्ट व्हील घूमेगा तो ये कितना डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कम्परस ऑफ द लोड एक्सल उसी दरम्यान क्या हो जाएगा कि ये जो लोड है ये लोड लिफ्ट करेगा और जो एक्सल है ये सरकम परन्स ऑफ एक्सल सर्कम्परेंस ऑफ एक्सल क्या रहेगा पाईडी रहेगा इतना डिस्टेंस वो मूव करेगा ओके okay? तो अभी हम देखते हैं कि विलोसिटी रेशियो सिंपल एक्सलेंट व्हील का कितना रहेगा ठीक है ये सिमेटिक डायग्राम है आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से सिंपल एक्सलेंट व्हील दिखता है पेपर में आपको डायग्राम दी जाएगी और पूछेगा कि भैया ये कौन सी डायग्राम है ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली मेंशन हो रहा होगा कि एफर्ट व्हील क्या है और एक्सल क्या है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज नथिंग बट अ एफर्ट व्हील यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं और ये एक्सल है जहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं बराबर है और हमने पढ़ा था कि एफर्ट व्हील का जो डिस्टेंस रहेगा कितना और कितना, okay, तो हम देखते कि इसका कितना आएगा तो हमें पता है कि विलॉसिटी रेशियो इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई डी लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई पाई गेट स्मॉल ओके देर फोर हमें क्या मिला इक्वेशन आपने इक्वेशन ध्यान में रखना है विलासुड रेशो का फॉर्मूला किसके लिए सिंपल एक्सल के लिए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी दैट इज डायमीटर ऑफ एफर्टवील डिवाइडेड बाय कैपिट स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ एक्सल इसको हम बड़े डॉन के नीचे छोटा डॉन ऐसे याद कर सकते हैं बड़े डॉन के नीचे छोटा डॉन वेयर कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ एफर्टविल एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ लोड एक्सल और ये जो डायमीटर्स रहेंगे ये दोनों एक तो एम mm एम में चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए या मीटर में चाहिए अगर ये एफर्ट व्हील का डायमीटर एमएम में है तो एक्सल का भी एमएम में चाहिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चाहिए दोनों भी और मीटर में दिए तो दोनों भी मीटर में चाहिए ओके तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर वन ऑन सिंपल एक्सलैंड व्हील क्या दिया है क्वेश्चन तो में ध्यान से पढ़िए इन अ सिंपल एक्सलेंट व्हील डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज 150 फिफ्टी एंड दैट ऑफ एक्सल इज 30 एम इफिशियंसी ऑफ मशीन इज सिक्स परसेंट फाइंड द एफर्ट रिक्वायर टू लिफ्ट ए लोड ऑफ फिफ्टी न्यूटन तो आपको ऐसा पता चल रहा होगा कि ये जो न्यूमेरिकल जो हमने पहले तीन लेक्चर में सोल्व किए थे उन तीन लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उन्हीं के जैसे है ओके okay? तो सबसे पहले टीचर ने क्या बताया था आपको सर ने क्या बताया था सर ने यह बताया था कि जो भी क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले हमको गिवन डेटा फाइंड आउट करना है तो पढ़ते क्या दिया है इन सिंपल व्हील एंड एक्सेल मतलब हमको क्या दिया है सबसे पहले मशीन का नाम दिया है कौन सी मशीन दी है सिंपल एक्सेल एंड व्हील ये मशीन का नाम दिया हुआ है बराबर mm so, मतलब mm. है एफर्ट व्हील इज 150 फिफ्टी इन डायमीटर सो डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील मतलब कैपिटल डी कैपिटल डी इसका डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील हाउ मच 150 फिफ्टी एंड दैट ऑफ एक्सल दैट इज डायमीटर ऑफ एक्सल कितना दिया आपको स्मॉल डी

सो वी हैव टू कैलकुलेट एफर्ट कब जब लोड कितना दिया है आपको लोड दिया है लोड मतलब क्या होता है कैपिटल डब्ल्यूज हाउ मच फिफ्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन का लोड दिया हुआ है और आपको बोल रहा है वो कि पचास न्यूटन को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगेगा ओके okay, तो थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है इसको अलग इसलिए है क्योंकि पे मशीन का नाम दिया है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इस मशीन का विलोसिटी रेशो जब कभी भी मशीन की बात आएंगी तो सबसे पहले आपने अटैक करना है विलोसिटी रेशियो के ऊपर तो सिंपल क्या होता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी बड़े डॉन के नीचे छोटा डॉन बड़ा डॉन कितना दिया है आपको मच 150. 150 30 कैलकुलेट करिए 150 डिवाइडेड मच 5 ओके सो योर विलोसिटी रेशियो इज हाउ मच योर यूर रेशियो इज 5 अच्छा हमें पी निकालना था पी निकालना था तो पी कहां पे रहता है एम पे रहता है और एम ए कहाँ पे रहता है एम ए रहता है इफिशियंसी के पास एम ए कहाँ पे रहता है इफिशियंसी के पास तो सबसे पहले हमें अभी इफिशियंसी का यूज करना पड़ेगा और वहां से इस एम ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा ओके सो so, इफिशियंसी इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है एम ए डिवाइडेड बाय वी आर मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच हंड्रेड सो इफिशिय गिवन है आपको कितनी सिक्सटी एम ए के बारे में नहीं पता क्योंकि हमको पी नहीं पता है वी आर इज हाउ मच फाइव इन हंड्रेड राइट तो अभी क्या हो जाएगा ये ये जो है फाइव इधर डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ये हंड्रेड जो multiply है इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे बराबर है तो बराबर देखते ठीक है तो सिक्सटी क्या हो गया सिक्सटी अपनी जगह पे है ये फाइव वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गए और डिवाइडेड बाय ये हंड्रेड यहाँ पे मल्टीप्लाई थे तो यहाँ पे आके डिवाइड में चले जाएंगे बराबर है तो आपको क्या मिल जाएगा एम ए मिल जाएगा सो हाउ मच मैकेनिकल एडवांटेज बेटा सिक्सटी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इज हाउ मच इज इक्वल्स टू थ्री सो यू गॉट द मैकेनिकल एडवांटेज हाउ मच थ्री सो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आया थ्री आया हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट मतलब अपॉन पी एम ए कितना है हमारे पास तीन है W कितना दिया था हमको 50 दिया था बराबर है W इज 50 डिवाइडेड बाय P अभी क्या हो जाएगा ये P इधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा बराबर है सो so, P अपनी जगह पे इधर आ गया 50 अपनी जगह पे है और 3 यहाँ पे आ गया तो कैलकुलेट करिए 50 डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच 16.66 न्यूटन। ओके, आपको कितना एफर्ट लग रहा है 50 न्यूटन को लिफ्ट करने के लिए वी आप सभी को क्वेश्चन या न्यूमेरिकल समझ में आया होगा सो आइए दोस्तों सेकंड नंबर के न्यूमेरिकल को शुरुआत करते हैं क्या दिया है सेकंड नंबर के न्यूमेरिकल में पढ़िए जरा इन सिंपल व्हील एंड एक्सल डायमीटर ऑफ एफर्ट विलड्रेड एम एम

तो क्या गिवन डाटा दिया हुआ है आपको सबसे पहले दिया है डायमीटर ऑफ एपर्ट फील्ड दैट इज कैपिटल डी इज हाउ मच 500 हंड्रेड एंड दैट ऑफ एक्सल एक्सल का डायमीटर कितना दिया है स्मॉल डी इज हाउ मच 100 एम लोड कितना दिया है आपको लोड इज डिनोटेड बाय डब्लू डब्ल्यू इज हाउ मच 10 किलो न्यूटन ओके एंड एफर्ट भी दिया है आपको एफर्ट इज डिनोटेड बाय पी दैट इज टू किलो

एम ए निकालना पड़ेगा हमें वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एम ए लोड अपॉन एफर्ट मतलब डिवाइडेड बाय लोड लोड इज 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 हाउ हाउ मच मच किलो न्यूटन एंड एफर्ट अभी तुम बोलोगे सर इन दोनों को चेंज क्यों नहीं किया देखिए बेटा इसका भी यूनिट किलो न्यूटन है इसका भी यूनिट किलो न्यूटन है बराबर है तो दोनों के यूनिट सेम अगर रहेंगे दोनों के यूनिट अगर सेम रहते हैं तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है तो कैलकुलेट करिए टेन डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव हाउ मच फोर सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज हाउ मच फोर

और बताइए दोस्तों कौन से टाइप की मशीन रहेगी अगर इपिस अस्सी परसेंट रहेगी तो बताइए इट इज अ रिवर्सिबल मशीन आपको टाइप ऑफ मशीन भी पूछ सकता है ठीक है इट इज अ रिवर्सिबल मशीन ओके तो नेक्स्ट मशीन देखते हैं मशीन नंबर दो दैट इज डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही होगी जो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है ये मॉडिफिकेशन है सिंपल एक्सल एंड व्हील का बराबर है और जो डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील है इसमें आपको एक एफर्ट व्हील मिलेगा बराबर है और ये जो दो है दिज आर दिज आर दू एक्सल रहता है एक बिगर एक्सल रहता है और एक स्मॉलर एक्सल बिगर एक्सल एंड दिस इज द स्मॉलर एक्सल हम एक्सेल से लोड को लिफ्ट करते हैं और एफर्ट व्हील के ऊपर हम क्या करते हैं एफर्ट को अप्लाई करते हैं ओके तो यहाँ पे लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लोड एक्सल ऑफ बिगर एक्सल डायमीटर डी वन एंड स्मॉलर एक्सल डायमीटर डी टू रिजिडली सपोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एन एफर्ट व्हील डायमीटर डी लोड एक्सल इज अप ऑफ टू एक्सल में इज नोन एज अ डिफरेंशियल एक्सल डिफरेंशियल एक्सल एंड एफर्ट व्हील आर माउंटेड ऑन द सेम ये दोनों भी एक सेम शार्प के ऊपर माउंट किए जाते हैं एंड सपोर्टेड बाय द बॉल बेयरिंग ए स्ट्रिंग इज बाउंड राउंड द एफर्ट व्हील सो एज टू अप्लाई द एफर्ट है ना एक धागा या एक स्ट्रिंग रस्सी जो है इस एफर्ट व्हील के ऊपर आपको बाउंड की जाती है ताकि हम एफर्ट को अप्लाई कर सके अनदर स्ट्रिंग इज बाउंड राउंड टू द बिगर एक्सल है ना दूसरी जो स्ट्रिंग है बिगर एक्सल के ऊपर और फिर उसके बाद डब्लू उसके ऊपर हम W को अटैच करते हैं मतलब लोड को अटैच करते हैं ओके स्नैच बॉक्स के थ्रू और वही स्ट्रिंग को फिर हम स्मॉलर स्मॉल को भी वाउंड करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन द वाइंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन एफर्ट व्हील एंड विंडर एक्सेल डन इन द सेम डायरेक्शन द स्ट्रिंग अनवाइंड फ्रॉम द एफर्टविलर एक्सल एंड वाइंड्स ओवर द बिगर एक्सेल देन द व्हेन द एफर्ट पी इज अप्लाइड है ना जब हम पी को अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है जैसे हम एफर्ट यहाँ पे जैसे हमने एफर्ट व्हील के ऊपर एफर्ट अप्लाई किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये जो लोड है ये कहा जाएगा लिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ओके okay? देखते हैं दोस्तों डिफरेंशियल एक्सलेंट व्हील का विलोसिटी रेशियो क्या रहता है तो आपको जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक एफर्ट व्हील मिल रहा है बराबर है एफर्ट व्हील कहा पे दिस इज योर एफर्ट व्हील विच इज हैविंग डायमीटर कैपिटल डी ये एक्सेल का पार्ट है

डायमीटर ऑफ एफर्टविली वन इज द डायमी ऑफ बिगर एक्सल एंड डी टू इज द डायमी ऑफ स्मॉलर एक्सल तो ये जो रेशियो का फॉर्मूला इसको हम याद कैसे कर करेंगे दो बड़े डॉन के नीचे दो छोटे डॉन का डिफरेंस कैसे याद करेंगे बेटा इसको दो बड़े डॉन ऊपर में है दो बड़े डॉन के नीचे दो छोटे डॉन उनका डिफरेंस दो बड़े डॉन के नीचे दो छोटे डॉन उनका क्या है यहाँ पे डिफरेंस है उनका क्या है यहाँ पे डिफरेंस तो मतलब माइनस हो रहा है ओके

42 सेंटीमीटर एंड 1200 न्यूटन लोड इज लिफ्टेड 1200 मतलब 1200 न्यूटन लोड इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ से 120 न्यूटन ओके फाइंड ऑफ मशीन हमें क्या निकालनी है हमें उसकी इफिशियंसी निकालनी है ओके okay? तो सबसे पहले टीचर ने क्या बताया था सबसे पहले टीचर ने बताया था वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द गि डाटा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द गि डाटा तो so, एक्सल के जो डायमीटर दिए हमको एक्सल के डायमीटर बड़े वाले एक्सल को हमने डी लेना है जो कि हमें ट्वेल्व सेंटीमीटर दिया है छोटा वाला एक्सल कितना दिया है नाइन सेंटीमीटर एफर्ट व्हील का डायमीटर एफर्ट व्हील इज ऑलवेज कैपिटल डी एफर्ट व्हील डायमीटर इज कैपिटल डी दैट इज हाउ मच गिवन 42 सेंटीमीटर फिर हमको लोड गिवन है लोड मतलब क्या होता है डब्लू हाउ मच 1200 मतलब 1200 न्यूटन एंड एफर्ट व्हील एफर्ट मतलब एफर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं पी से 120 Newton, okay? so, हमें न्यूटन, ओके? क्या निकालना है टू फाइंड टू फाइंड वॉट इफिशियंसी हमें क्या पूछा गया है उन्होंने वो हमें पूछ रहे हैं की इफिशियंसी तो मैंने आपको बताया जब भी मशीन का प्रॉब्लम रहता है जब भी किसका प्रॉब्लम रहता है मशीन का प्रॉब्लम रहता है हमारा पहला अटैक किसके ऊपर होना चाहिए पढ़ा था हमने टू कैपिटल डी अपॉन डी वन माइनस डी टू ओके दो बड़े डॉन के नीचे दो छोटे डॉन का डिफरेंस तो दो बड़े डॉन टू इंटू बड़ा डी कितना है छोटा डी कितना, तो कितना है आपका हाउ मच वी आर ट्वेंटी फोर टू इंटू फोर्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेल्व माइनस नाइन ट्वेंटी एट ओके सो योर वी आर इज हाउ मच ट्वेंटी एट राइट फिर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है एम ए एम ए जॉमच डब्लू डिवाइडेड बाय पी डब्लू कितना दिया है आपको डब्ल्यू ए मच बारह सो पी कितना गिवन है आपको वन ट्वेंटी ओके सो देन वी हैव टू कैलकुलेट द एम एम ए कितना बोलेगा बारह सो डिडेड बाई वन ट्वेंटी जो मच टेन राइट सो यू गॉट द मैकेनिकल एडवांटेज हाउ मच टेन फिर हमें पता है इपिशियंसी का फॉर्मूला बताइए क्या है फटपट एम ए डिवाइडेड बाई वी आर मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच हंड्रेड तो एम ए इज हाउ मच टेन विलॉसिटी रेशियो इज हाउ मच इज हाउ मच कितना आया था हमारा ट्वेंटी एट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो हाउ मच इपिशियंसी कैलकुलेट करिए कैलकुलेट करिए बेटा टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट इंटू हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट इक्व टू हंड्रेड कितना आता है बताइए इट इज थर्टी फाइव पॉइंट सेवन वन करेक्ट है 35.71% 35 okay? so 35 okay? तो हाउ मच एफिशिएंसी वी विल गेट 35.71 ओके सो वी गॉट द एफिशिएंसी 35.71 ओके तो चलिए दोस्तों और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम दैट इज न्यूमेरिकल नंबर फोर ऑन डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील तो पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में इन अ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल

तो सबसे पहले आपको मशीन का नाम पता चल गया जैसे मशीन का नाम पता चल गया आपने क्या करना है आपके चेहरे के सामने उसका विलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए ओके तो सबसे पहले आपको दिया है एफर्ट व्हील का डायमीटर डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज कैपिटल डी कितना दिया है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर फिर एक्सल के डायमीटर दिए बराबर है तो बड़े वाले एक्सल को अपन डी वन लेना है नाइन सेंटीमीटर और छोटे वाले एक्सल को डी टू लेना है ओके इफिशियंसी दी है आपको इफिशियंसी कितनी दी है 80% राइट right? और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है टू फाइंड टू फाइंड लोड लोड फाइंड आउट करना है दैट इज w कब जब एफर्ट कितना लग रहा है एफर्ट मतलब p एफर्ट मतलब p कितना लग रहा है 100 न्यूटन ओके okay, तो काफी आसान सा सवाल है ये सर ने बताया आपको कि जब भी आपको मशीन दी रहेगी तो सबसे पहले अटैक किसके ऊपर करेंगे vr के ऊपर तो बताइए जल्दी डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील का क्या है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला दो बड़े डॉन के नीचे दो छोटे डॉन का क्या है डिफरेंस ओके तो टू इंटू कैपिटल डी कितना है थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई डी वन कितना है नाइन माइनस सिक्स सो हाउ मच वी आर वी आर कैलकुलेट करिए टू इंटू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई नाइन इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर ओके सो यू गॉट वी आर इज ट्वेंटी फोर फिर हमको W निकालना है W कहाँ पे रहता है MA के पास MA ए कहाँ पे रहता है इफिशियंसी के पास MA ए कहाँ पे रहता है इफिशियंसी के पास तो सबसे पहले हमें इफिशियंसी का फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा दैट इज MA डिवाइडेड बाय VR आर इंटू हंड्रेड सो so, इफिशियंसी कितनी दी है यहाँ पे 80 MA नहीं पता VR कितना आया आपका 24 फोर मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच हंड्रेड तो आपको यहाँ से एम मिल जाएगा एम कैसे मिलेगा देखिए ये ट्वेंटी डिवाइड में है इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हंड्रेड इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे शिफ्टिंग आना चाहिए आपको तो एटी अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड उधर से आके डिवाइड में चलेंगे हंड्रेड तो आपको क्या मिल जाएगा एम ए एम ए कैलकुलेट करिए जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे एटी इंटू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट टू आया सभी का आंसर एम इक्वल्स टू हाउ मच 19.2. पॉइंट टू अभी हमें एम ए पता चल गया है हमें पता है फिर एम ए टू क्या होता है डब्लू डिवाइडेड बाय पी मच डब्ल्यू इज गिवन एम ए इज गिवन नाइनटीन पॉइंट टू डब्लू का हमें कोई पता नहीं है और पी दिया हुआ है हंड्रेड बराबर है अभी हंड्रेड इधर डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा डब्लू इक्वल्स टू नाइनटीन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड मच हंड्रेड सो so, w इक्वल्स टू कितना आएगा 19.2 100 इज हाउ मच 19 20 न्यूटन मतलब 1920 आंसर आएगा कितना आएगा आपका 1920 ओके okay? तो इस प्रकार से हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा सो दीस आर दी यूनिट आउटकम वी हैव अचीव्ड लेटस्ट रिव्यू द टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट दी सिंपल एक्सेलेंट व्हील एंड देर न्यूमेरिकल्स तो हमको एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी कि सिंपल एक्सेलेंट व्हील जो था हमारा बराबर है तो जिसका विलॉसिटी रेशियो का फार्मूला था कैपिटल डी डिडेड बाई स्मॉल डी डी इज द डायमीटर ऑफ एपट व्हील एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ लोड एक्सेल फिर हमने डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील पढ़ा डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील का फार्मूला था टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी वन माइनस